दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सीएनसी मशीन पे प्रोग्राम बनाना कैसे स्टार्ट करें। जैसा कि दोस्तों लोग अलग अलग तरीके का अलग अलग वीडियो देख के ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीएनसी मशीन पे प्रोग्राम बनाना कैसे स्टार्ट करें, तो आज की इस वीडियो दोस्तों मैं पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। जो लोग सीएनसी मशीन ऑपरेट करते हुए आ रहे हैं वो अगर सीएनसी मशीन का प्रोग्राम बनाना सीखना चाहते हैं तो उन्हें अलग अलग तरीके का वीडियो मिल जाता है, जिस वजह से थोड़ा वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरीके से सीएनसी मशीन पे प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम अब इस तरीके का प्रोग्राम क्यों बनाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे कि ये हम मिसाल के तौर पर हमारा जो ड्राइंग है, अब हम इस ड्राइंग का प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो सबसे पहले हम प्रोग्राम नंबर लगाएंगे। प्रोग्राम नंबर हमारा कितना 4 डिजिट का रहता है, उससे पहले हमें ओ लगाना पड़ता है, उससे पहले हमें ओ लगाना पड़ेगा। उसके बाद 4 डिजिट का हमारा प्रोग्राम नंबर रहेगा। जो प्रोग्राम नंबर मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ उस नंबर का प्रोग्राम हमारे मशीन में पहले से ना रहे। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे प्रोग्राम नंबर डालता हूँ 1, 2, 3, 4 और एंड ऑफ लॉग, आगे हम एंड ऑफ लॉग लगा देंगे। अब 1, 2, 3, 4 का प्रोग्राम नंबर हमारे मशीन में पहले से नहीं रहना चाहिए। अगर ये नंबर का पहले से मशीन में प्रोग्राम है तो ये नंबर अगर आप डालेंगे तो ये नंबर प्रोग्राम में सेव नहीं होगा, मशीन में सेव नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, फिर नंबर चेंज करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 5 डाल देना होगा। इस तरीके से हम प्रोग्राम नंबर लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम आगे लगाएंगे N1। अब इसके चाहे तो हम आगे G20 अपना होमिंग का कोड लगाए, या फिर यहाँ पे हम एंड ऑफ लॉग डाल देते हैं, नीचे हम G28 ले लेते हैं, G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ लॉग G28 U0.0 W0.0। ये चीज दोस्तों हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एंड ऑफ लॉग निकाल के हमें लगाना होगा, फिर आगे हमारा जब W0.0 आएगा वहां पे हम एंड ऑफ लॉग लगा सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो हम अलग अलग तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे स्पिंडल स्पीड लेंगे तो उसके लिए कोड लगाएंगे G92। और कोई मशीन में G92 लेता है, कोई कोई मशीनों में G50 लेता है, तो हमें देखना होगा कि हमारे मशीन में अगर आप G92 डाल रहे हैं वो कोड से कुछ एरर आ रहा है, अलार्म आ रहा है, स्पिंडल रन नहीं हो रहा है, तो आप वहां पे G50 लगा दीजिए, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा G92। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा स्पीड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्पिंडल स्पीड 2000, ठीक है, एंड ऑफ लॉग। फिर नीचे हम टूल नंबर लगा देते हैं, टूल नंबर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ और ऑफसेट नंबर भी हमारा 1 रहेगा, ओके, एंड ऑफ लॉग। फिर G96 कटिंग स्पीड लगाएंगे हम, G96 टूल हमारा कौन सा लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है उसके हिसाब से हम यहाँ पे M03 M04 लगाएंगे। अभी मैं M04 लगा रहा हूँ, मतलब हमारा टूल जो है वो राइट हैंड है। उसके बाद कटिंग स्पीड दोस्तों मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 210, एंड ऑफ लॉग। अब G0 हमारा, जैसे कि हम अगर रफ प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ओडी टर्निंग का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा रहा है कितना 65, तो हमारा रॉ मटेरियल इससे प्लस रहेगा, मतलब 67, 68, 70, मैं यहाँ पे बाहर 68 पकड़ लेता हूँ, 68 का हमारा रॉ मटेरियल है। तो जितने का रॉ मटेरियल रहेगा अगर हमें टर्निंग करना है तो उतना ही साइड डालना है, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल 68 है तो हम 68 यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद Z2.0 और M07 M08 जो भी हमारे मशीन का कोड एंड टर्न का कोड रहेगा वो लगा देंगे। फिर नीचे G71। अब यहाँ पे दोस्तों मैं रुकता हूँ क्योंकि इसका डिटेल मैं आपको देना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाया हूँ, प्रोग्राम नंबर 1, 2, 3, 4, उसके बाद N1 G28 U0.0 W0.0, ठीक है, G92 स्पिंडल स्पीड डाल दिया हूँ, टूल नंबर डाल दिया हूँ, कटिंग स्पीड डाल दिया। अब यहाँ पे दोस्तों टूल नंबर अगर हम G28 के नीचे ले लेते हैं, मतलब जो G28 में लगाया हूँ G28 U0.0 W0.0, ठीक है। अब उसके नीचे दोस्तों मैं लगा दूंगा टूल नंबर 1 और ऑफसेट नंबर 1, एंड ऑफ लॉग, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, G28 के बाद G92 ले लिया हूँ। अब यहाँ पे हम चाहे तो G92 लेंगे, ठीक है, उसके नीचे G96, टूल का रोटेशन जो है वो हम लगा देंगे 210। ये हमारा आगे पीछे हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम G92 G96 नहीं यूज कर रहे हैं, G97 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम G97 भी डाल सकते हैं, यहाँ पे G97 टूल नंबर, उसके बाद ये लाइन हमारे थे, अगर हम G97 यूज करें तो G96 हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, इसे हम निकाल देंगे, ठीक है। तो G68.0 Z2.0 उसके बाद डाल देंगे।
अब यहाँ पे देखिए जैसे कि G97 लगाए हम, टूल नंबर बाद में लगा, टूल नंबर हम पहले भी लगा सकते हैं, G97 नीचे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बहरहाल G92 रखता हूँ, इस तरीके से भारत बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पे मैं 200 तक डाल देता हूँ, ठीक है। आगे हमारा साइकिल आएगा जो कि मैं G71 साइकिल का प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत सारा दे चुका हूँ आप लोगों को। मेरा मेन मकसद था दोस्तों ये प्रोग्राम का हेडर आप लोगों को बताने का। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज ये है कि बहुत से लोग ये कंफ्यूज हैं कि सर आप यहाँ पे न G40 यूज कर रहे हैं, न G20 यूज कर रहे हैं, न G21 यूज कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग तरीके का अलग अलग कमेंट है कि आप G99 नहीं यूज कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब हमें G40, G99 या G20, G21 ये सब पोर्ट लगाने की जरूरत अब हमें नहीं है। रीजन ये है कि दोस्तों पहले की मशीनों में, पुरानी जो मशीनें थी उसमें लगाना कंपलसरी था, लेकिन अब हम इन सब के बगैर भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको हर एक प्रोग्राम में इसी तरीके से प्रोग्राम बनाते हुए आया हूं, दिखाया हूं आप लोगों को, प्रोग्राम दिया हूं, वीडियो दिया हूं, हर एक वीडियो में दोस्तों मैं सेम इसी तरीके से प्रोग्राम बना। अब की मशीनों में दोस्तों ऑलरेडी वो पहले से मशीन में डाला हुआ रहता, तो आपको एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। अब आप G40 भी मत लगाइए। हाँ, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, इसका फिनिशिंग प्रोग्राम बनाएंगे, G41 यूज करेंगे या G42 यूज करेंगे, ठीक है, तब आपका जब जैसे कि EN2 में आप प्रोग्राम बना रहे हैं, G41 यूज किए हैं या G42 यूज किए हैं, तो आपका जो पूरा प्रोग्राम, पूरा ड्राइंग का कोऑर्डिनेट एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका टूल यहाँ पे आ जाएगा, फिर लास्ट में आपको G01 G40 लगाना कंपलसरी है। लेकिन आपको प्रोग्राम हेडर में G40 डालना कोई जरूरी नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते, आपको डालना है तो डालिए, कोई इशू भी नहीं है कि अगर आप डाल देंगे तो अलार्म आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू है आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है डालना अब जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हाँ, हर प्रोग्राम में कंपलसरी है, जब आप G41 G42 यूज करेंगे वहां पे आपको डालना ये जरूरी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत से लोगों का कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों को ये वीडियो बना के दिया हूं कि आप ना यहाँ पे इसके लिए बिल्कुल भी मत कंफ्यूज रहिए कि G40 G21 या कोई अदर कोड, जो भी कोड है वो सब लगाना जरूरी है। आप इन सब के बगैर भी प्रोग्राम बना सकते हैं, आपका मशीन भी रन होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। पहले की मशीनों में लगाना कंपलसरी था, जरूरी था, तो लोग लगाते थे। मैं खुद इन सब के बगैर प्रोग्राम बनाते आया हूँ, अभी भी बना रहा हूँ। पहले लगभग आज से 7-8 साल पहले एक दो मशीनें मुझे मिली थी जिसमें G40 लगाना पड़ता था और G21 ये सब की जरूरत नहीं पड़ता था। G40 लगाना इसलिए पड़ता था कि जैसे कि हम EN1 में प्रोग्राम बनाए हैं, EN1 में हमारा जो भी प्रोग्राम है उसको रन किए हैं और इसमें हम G40 यूज किए हैं, G41 G42 यूज किए हैं, G41 या G42 यूज किए, इस प्रोग्राम को रन किए, हमारा प्रोग्राम नीचे जाके EN2 है। अब EN1 का पूरा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन G41 एक्टिवेट हो चुका है, G41 कोड एक्टिवेट हो चुका है। अब बीच में जाके हमारा पावर ऑफ हो गया, मशीन बंद हो गया या कोई अलार्म आ गया है, बीच में जाके हमारा प्रोग्राम रुक, मशीन रुक गया, बंद हो गया, ठीक है, बंद नहीं हुआ है या फिर मशीन में अलार्म आ गया तो भी, फिर उसके बाद हम उसको होम पोजीशन में डाल दिए, हैंडल कंट्रोल टूल को पीछे लिए, होम पोजीशन में डाल दिए, उसके बाद हम वापस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं ना, जैसे कि G41 एक्टिवेट हो गया है, नीचे जाके वो G40 कैंसिल नहीं हुआ है, जिस वजह से हम प्रोग्राम के हेडर में G40 लगा देते हैं ताकि अगर इस तरीके का प्रॉब्लम रहेगा तो ना आए। तो बहरहाल ये सब पुरानी मशीनों में थी दोस्तों, जिस वजह से हमें लगाना पड़ता था, अब हम नहीं लगाएंगे तो भी हमारा प्रोग्राम रन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अगर आप CNC मशीन में प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो आप बिंदास इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो दोस्तों बस इतना ही, वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर करना, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।